दुखद है। नालंदा में चार लोगों की मृत्यु शराब के कारण हुई है। जहरीली शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। प्रशासन के लोग सचेत नहीं हो रहे। प्रशासन के लोग लगातार जो है से केवल जो है से पकड़ते हैं तो कौन लोगों को, जो माफिया है, जो बेचने वाले हैं, जिनके साठगांठ से ये शराब बंदी विफल हो रही है, शराब की बिक्री हो रही है, वैसे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। और सरकार हाथ पर हाथ धर कर करके केवल कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को केवल उन्हीं पर कार्रवाई करती है। अरे शराबबंदी अगर किए हैं तो शराबबंदी जमीन पर उतरना चाहिए, केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लोगों तक केवल जो है से इसका मुद्दा नहीं बनना चाहिए। शराबबंदी की कानून की समीक्षा कर करके और कैसे और कौन लोग बेचने वाले हैं उनको आप, चाहे वह सरकार में भी बैठे लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें, तभी शराबबंदी सफल होगी, वरना यह शराबबंदी पूरी तरह से हास्यास्पद स्थिति बन गई है।